हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज मैं बनाने वाली हूँ कुरकुरे पनीर नगेट्स। आप इसे एक बार पनीर के पकोड़ों से रिप्लेस करके देखिए। जो भी खाएगा वो इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएगा। नगेट्स बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। नगेट्स बनाने के लिए हमें चाहिए 250 ग्राम पनीर, कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लेक्स, ये आपको मार्केट में ईजीली मिल जाएंगे, मैदा, चाट मसाला, चिली फ्लेक्स, लाल मिर्च, नमक और ओरिगैनो। सबसे पहले हम पनीर को छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे। इसका साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा रख सकते हैं। मैंने इसे इस तरीके से क्यूब्स में काट लिया है। अब हम इसे एक बोल में डाल देंगे मैरिनेट करने के लिए। इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च और आधा चम्मच चाट मसाला। इसे हम हल्के हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि ये पनीर टूटे ना और मसाला अच्छे से पूरे पनीर पर लग जाए। अब हम एक अलग बोल लेंगे, उसमें हम मैदे का घोल बनाने के लिए 4 चम्मच मैदा लेंगे और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लोर से इसका अच्छा क्रिस्पीनेस आता है। इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च डालेंगे, थोड़े से चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा ओरिगैनो डालेंगे और आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। इसे हम अच्छे से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम एक बैटर रेडी कर लेंगे। हमें इसका बैटर बहुत पतला भी नहीं बनाना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना। ये देखिए, मैंने बैटर रेडी कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अब हम कॉर्नफ्लेक्स भी रेडी कर लेते हैं। उसके लिए एक मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम आधे कॉर्नफ्लेक्स डालेंगे, आधे हम रखेंगे, इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। इसे हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल पाउडर बना लेंगे इसका, इस तरीके से देखिए। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लेक्स नहीं है तो आप ब्रेड के क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक बड़ा बोल लेंगे और जो हमने आधे कॉर्नफ्लेक्स बचाए थे उसे हम अच्छे से हाथ से चूरा चूरा कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा बारीक चूरा नहीं करना, इसे हल्का हल्का इस तरीके से मोटा ही रहने देना है। अब जो हमने ग्राइंड किए थे कॉर्नफ्लेक्स वो हम इसमें डाल देंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने आधे ग्राइंड किए हैं और आधे चूरा चूरा किए हैं क्योंकि इससे अच्छे से कोटिंग हो पाएगी पनीर के ऊपर और पनीर हमारा अच्छे से क्रिस्पी बनेगा। हमारे कॉर्नफ्लेक्स रेडी हैं, घोल हमारा मैदे का रेडी है और पनीर भी हमारा मैरिनेट हो गया है। पनीर के ऊपर हम 2 चम्मच सूखा मैदा डस्ट करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हल्के हाथ से ताकि पनीर टूटे ना और मैदा पनीर के हर तरफ लग जाए। अब हम एक पनीर का पीस लेंगे, उसे हम मैदे में इस तरीके से डिप करेंगे और उसे हम कॉर्नफ्लेक्स में अब हम रख देंगे। इसी तरीके से 3 से 4 पनीर के पीस हम ले लेंगे और अब जो हमने कॉर्नफ्लेक्स में रखे हैं पनीर, उसे इस तरीके से हम कोट करेंगे कि हर तरफ से कॉर्नफ्लेक्स लग जाए, कहीं से भी पनीर छूटना नहीं चाहिए। इस तरीके से बोल को हिलाकर ऊपर नीचे करके हमें पनीर को कॉर्नफ्लेक्स से अच्छे से कोट कर देना है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख देंगे। आपके घर जब गेस्ट आने वाले हों या आपको कोई त्योहारों पे इस तरीके से बनाना है तो आप इसे पहले ही रेडी करके रख सकते हैं। अब बस ये फ्राई करने रह गए हैं। देखिए, मैंने सारे रेडी करके रख लिए हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम ऑयल जो रखेंगे वो मीडियम टेम्परेचर पर रखेंगे, ज़्यादा हाई भी नहीं रखेंगे और ज़्यादा लो भी नहीं रखेंगे। जो नगेट्स हमने रेडी करके रखे हैं वो हम इसमें एक एक करके फ्राई करने के लिए डाल देंगे। हमें बहुत सारे नगेट्स इकट्ठे नहीं डालने, 3 या 4 नगेट्स ही एक बारी में डालने हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है ताकि ये अच्छे क्रिस्पी बने और अंदर तक अच्छे से पक जाएं। इसे अलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। हाई फ्लेम पे इसे बिल्कुल भी फ्राई ना करें, नहीं तो ये पूरे जल जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। हमारे नगेट्स फ्राई हो गए हैं, हम इसे ऑयल से अच्छे से निकाल देंगे ऑयल छानते हुए। देखिए हमारे नगेट्स का कलर कितना प्यारा आया है, एकदम गोल्डन कलर का। देखिए ये नगेट कितने क्रिस्पी बने हैं। नगेट्स सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटे का बटन दबाना ना भूलें। बाय फ्रेंड्स, मिल
नेक्स्ट वीडियो।